जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम डिस्कशन करेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के ऊपर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के ऊपर। तो सबसे पहले हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर को आप जब भी यूज़ करना चाहते हैं तो पहले आपको उसको चार्ज करना पड़ेगा। वो चार्ज हो जाएगा तभी आप उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कैमरे का फ्लैश है, उसमें कैपेसिटर यूज़ हो रहा होता है। तो जब आप तस्वीर बनाने लगते हैं तो उस वक़्त आप बटन को प्रेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइट निकलती है, फ्लैश ऑफ लाइट निकलता है। वो एक्चुअली कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने से निकल रहा होता है। तो जब भी आप कैपेसिटर को यूज़ करना चाहते हैं तो उसको चार्ज करना पड़ेगा। चार्जिंग प्रोसेस की हम बात करते हैं कि कैपेसिटर चार्ज किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लें कि जब भी आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर के साथ तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। सर्किट डायग्राम में ये दिखाया गया है, ये कैपेसिटर दिखाया गया है, एक साथ में रजिस्टर लगाया है और यहाँ पे बैटरी लगाई है। ये ए और सी को अगर आप जोड़ दें तो स्विच ऑन हो जाएगा और बैटरी वर्क करना शुरू कर देगी। और बैटरी क्या करेगी कि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को निकालती रहेगी और इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स को डालती रहेगी। जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पहुंचते जाएंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर आप ग्राफिकली इसको समझना चाहें तो इस तरह से ग्राफ बनता है टाइम और चार्ज के दरमियान। होता ये है कि जो चार्जिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट में बहुत रैपिड होता है। जिस वक्त ये चार्ज नहीं था, आपने इसको स्विच ऑन किया है, तो शुरू में चार्जिंग प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है, चार्ज बहुत तेज़ी से यहाँ पे ग्रो करता है। लेकिन फिर आस्ता आस्ता क्या होता है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज जो है वो कम होता जाता है। ये डिक्रीजिंग स्लोप बन रहा है इस ग्राफ का। तो चार्जिंग प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। इसकी क्या वजह है इसको हम समझते हैं। तो इस डायग्राम में आपको ये दिखाया गया है कि इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। याद रखें, इस पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, बैटरी वर्क करेगी और इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगी और इन इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगी। तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से जब निकलेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा। अब दूसरी प्लेट के ऊपर क्या सिचुएशन है कि बैटरी इलेक्ट्रॉन्स डालती रहेगी, इसके ऊपर बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती रहेगी और इस प्लेट पे पहुंचाती रहेगी। शुरू में ये होता है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होता है और इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स को डालना ईजी होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिवेलप हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है और यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब और इलेक्ट्रॉन बैटरी यहाँ पे डालना चाहती है तो यहाँ पे मौजूद पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, तो बैटरी को उस रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा, चार्जिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। तो वर्क मस्ट बी डन टू पुट एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट। तो चार्जिंग प्रोसेस इस वजह से स्लो डाउन होता जाता है। अब एक और कॉन्सेप्ट है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैपेसिटर किस तरह से चार्ज होगा, कितना टाइम लगेगा उसको चार्ज होने में, कितनी तेज़ी से चार्ज होगा। तो इसको हमने डिफाइन किया है टाइम रिक्वायर्ड बाय कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज क्यू नॉट। क्यू नॉट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम चार्ज। इक्विलिब्रियम चार्ज वो चार्ज होता है कि जिस वक्त बैटरी का वोल्टेज जो है और कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो वोल्टेज है वो बराबर हो जाए। और मैथमेटिकली ये जो R और C का प्रोडक्ट है, ये जो आपने रेजिस्टेंस लगाई है और ये कैपेसिटेंस है, ये टाइम के बराबर होता है। इसके यूनिट्स टाइम के यूनिट्स हैं,
इसका मतलब है कि आर और सी के प्रोडक्ट से आप ये पता चला सकते हैं कि कैपेसिटर को चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, और आप आर और सी की वैल्यू चेंज करके किसी कैपेसिटर के टाइम कांस्टेंट को चेंज कर सकते हैं। अगर सी फिक्स है, कैपेसिटर आपने बना लिया है, तो अब आप उसके साथ जो रेजिस्टेंस अटैच करेंगे उसको चेंज करके आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आर सी की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब है वो जल्दी चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, और अगर लार्ज वैल्यू है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा चार्ज होने में, जैसे ये ग्राफ में दिखाया भी गया है। ये एक ब्लू आपको कर्व दिखाई है और एक रेड कर्व दिखाई है। ब्लू कर्व एक ख़ास कैपेसिटर के लिए है जिसका टाइम कांस्टेंट कम है और वो 0.63 पर जल्दी पहुंच गया है, लेकिन जो दूसरा कैपेसिटर है उसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है, उसको ज़्यादा टाइम लगता है 0.63 तक पहुंचने के लिए। तो जिस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट कम होगा वो जल्दी चार्ज हो जाएगा, और जिसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसको चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये जो 63% या 0.63 का जो कॉन्सेप्ट है ये आया है इस इक्वेशन से। BS में या BSc में जब आप फिज़िक्स पढ़ेंगे तो वहाँ आप Q इज़ इक्वल टू Q0 इंटू 1-e⁻ⁿ/RC, ये फार्मूला आप ड्राइव करेंगे। ये है ग्रोथ ऑफ चार्ज का फार्मूला, कि चार्ज किस तरह से ग्रो करता है, और ये एक्सपोनेंशियल है, इसलिए यहाँ पे हमने जो कर्व्स बनाई है ये एक्सपोनेंशियल बनाई है, ठीक है। और यहाँ पे जो टी है ये टाइम है, अगर ये आर सी के बराबर हो जाए तो ये नीचे वाली ऊपर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, e⁻¹ बचेगा, उसको आप 1/e लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा 0.63 आएगा, 0.63 इंटू Q0, उसको हम कहते हैं 63% चार्ज होने का टाइम है। अब टाइम अगर 2RC के बराबर हो जाए तो यहाँ पे T की जगह पे 2RC लिख देंगे, तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो 86% आएगा। इसका मतलब है कि कैपेसिटर 2RC के बाद 86% चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 3RC पुट करेंगे तो 94% आंसर आएगा, और अगर 4RC पुट करेंगे तो 98%, और 5RC के लिए 99%। तो इसका मतलब है 5RC के बाद भी कैपेसिटर कम्प्लीटली चार्ज नहीं हुआ, 99% तक चार्ज हो गया है। आप एक एग्जांपल से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सपोज़ करते हैं कि एक आपके पास कैपेसिटर है और उसकी कैपेसिटेंस जो है वो 1 μF है, और आपने एक रेजिस्टेंस लगा ली है 1 MΩ की, तो उनका जो टाइम कांस्टेंट है वो आर सी के बराबर होगा, और आर की जगह पे 1 MΩ लिख लें और सी की जगह पे 1 μF लिख लें, मेगा और माइक्रो कैंसिल हो गए तो आंसर आएगा 1 सेकंड। ओम और फेरड जो है वो सेकंड के बराबर होता है। इसका मतलब है कि ये जो कैपेसिटर है, आरसी सर्किट है, इसका टाइम कांस्टेंट जो है वो 1 सेकंड है। इट मीन के इस कैपेसिटर को 63% चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड, और 2 सेकंड बाद कितना चार्ज हो जाएगा, 86%। 3 सेकंड बाद कितना चार्ज हो जाएगा, 94%। 4 सेकंड बाद कितना चार्ज हो जाएगा, 98%। 5 सेकंड बाद कितना चार्ज हो जाएगा, तकरीबन 99%। ऐसे ही आप कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग को समझ सकते हैं कि जब आपने कैपेसिटर चार्ज कर लिया है तो अब आप बैटरी का कनेक्शन हटा दें, अब आप ए और बी को जोड़ दें, और इस रेजिस्टर के क्रॉस ये कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा। ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन दिखाई गई है, हाई से लो की तरफ। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से मूव करेंगे इस प्लेट की तरफ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे और यहाँ पहुँचते जाएंगे, आस्ता आस्ता क्या होगा कि ये कैपेसिटर कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। ग्राफिकली आपने इसको सीखना है तो इस तरह का आप ग्राफ बना लेंगे क्यू और टी के क्रॉस। स्टार्ट में क्या था कि वो मैक्सिमम चार्ज था, और इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के वोल्टेज वी नॉट के बराबर था। अब जो ही आपने ए और बी को ऑन किया है
तो कैपेसिटर ने बहुत तेज़ी से डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया है। तो शुरू में जो है डिस्चार्जिंग प्रोसेस रैपिड होता है और उसके बाद ग्रेजुअली स्लो डाउन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं कि जिस वक्त यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे, इधर इलेक्ट्रॉन्स की बहुत डेफिशिएंसी थी, तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से फ्लो करते थे इधर को। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यहाँ पे कम हुई और यहाँ पे डेफिशिएंसी भी कम होती गई, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इतने रिपेल नहीं हो रहे, और ऐसे ही ये इतना अट्रैक्ट भी नहीं कर रहा। ऐसे ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कम हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि करंट कम हो जाएगा। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट की बात करनी है तो टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिस्चार्ज अप 2.37 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज क्यू नॉट, यानी कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए, कितना डिस्चार्ज हो जाए, 37% तक डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है, सिर्फ इतना बचा है चार्ज, 37% बचा है, बाकी ये डिस्चार्ज हो गया है, 67% डिस्चार्ज हो गया है, अब बचा कितना है, 37%। तो यहाँ तक डिस्चार्ज होने का जो टाइम है इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट या डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। और स्मॉलर आरसी का मतलब ये है कि कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज होगा, और लार्जर आरसी का मतलब है कैपेसिटर देर से डिस्चार्ज होगा। और डिस्चार्जिंग इक्वेशन आपके पास मौजूद है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू माइनस टी ओवर आरसी, इसको कहते हैं डिके ऑफ चार्ज की इक्वेशन। तो डिके ऑफ चार्ज की जो इक्वेशन है वो भी एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियली डिके होगा, पहले रेट ऑफ डिके ज़्यादा होगा, फिर आस्ता आस्ता रेट ऑफ डिके जो है वो कम होता जाएगा। और इसकी वजह आप समझ चुके हैं यहाँ पे, कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस इन दो प्लेट्स के दरमियान ज़्यादा था, तो इस वजह से करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा था। जैसे जैसे चार्ज फ्लो करता जाएगा तो वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होता जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कम होने से करंट भी कम हो जाएगा या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी कम हो जाएगा। अब आप ये पॉइंट देख सकते हैं कि 1 RC के बाद कितना चार्ज बचा है, 37%, 2 RC के बाद कितना बचा है, 13%, 3 RC के बाद कितना बचा है, 5%, 4 RC के बाद कितना बचा है, 1.4%, 5 RC के बाद कितना बचा है, 0.6%। मतलब ये कि अगर आपके पास कोई कैपेसिटर है जिसका टाइम कांस्टेंट 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड के बाद कहाँ तक डिस्चार्ज हो जाएगा, 37% तक, और 2 सेकंड के बाद कहाँ पहुँचेगा, 13% तक, 5 सेकंड के बाद कितना चार्ज रह जाएगा, 0.6%। अब ये भी यहाँ बताया है कि RC जो है वो टाइम के बराबर किस तरह से होता है, R और C का प्रोडक्ट है, R होता है V ओवर I, ओम लॉ में हम पढ़ेंगे, और C बराबर होता है Q ओवर V, इसको कैपेसिटर इक्वेशन कहते हैं, V से V कैंसिल हो गया तो Q ओवर I बचा, और Q होता है IT के बराबर, तो I से I कैंसिल तो T बच गया, तो कैपेसिटर का टाइम कॉन्स्टेंट जो है वो T होता है, बराबर होता है RC के। तो स्टूडेंट्स, ये थी डिस्कशन हमारी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।